दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और अगर आप में से कुछ लोग यूक्रेन पढ़ने गए थे मेडिकल की पढ़ाई, तो उनके लिए ये खबर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उस समय जब रशिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स वापस लौट आए थे सुरक्षा कारणों से। उस समय ये बात कही गई थी कि उनके लिए भी सोचा जाएगा। तो दोस्तों आप पूरी वीडियो देखिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के काम की खबर है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेज में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई होने वाली थी वो कल होगी। इस मामले में केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर बताया है कि इन मेडिकल स्टूडेंट्स को भारत के कॉलेजेस में दाखिला देना कानूनन संभव नहीं है, बहुत सारी अड़चने हैं। और सरकार ने कहा कि ये वो छात्र हैं, यानी कि जो यूक्रेन गए थे ये वो छात्र हैं जो या तो नीट में कम अंक के चलते वहाँ गए थे या फिर सस्ती पढ़ाई के लिए वहां गए थे। केंद्र ने बताया कि ये स्टूडेंट्स यूक्रेन के कॉलेज से अप्रूवल लेकर के दूसरे देशों में डिग्री पूरी करने का विकल्प चुन सकते हैं। और एफिडेविट में ये भी कहा गया कि अगर इन स्टूडेंट्स को खराब मेरिट के बावजूद देश के सबसे प्रीमियर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला दिया गया तो ये उन स्टूडेंट के साथ अन्याय होगा जो नीट स्कोर की वजह से इन कॉलेजेस में एडमिशन नहीं पा सके थे और उन्हें दूसरे कॉलेजेस में दाखिला लेना पड़ा। बात बिल्कुल जेन्युइन है। नीट अपने आप में बहुत टफ इस समय हो गया है कंपटीशन, इसकी परीक्षा बड़ी टफ होती जा रही है दिन ब दिन। खैर, दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन स्टूडेंट्स को देश के प्राइवेट कॉलेजेस दाखिला देते हैं तो ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की फीस भरने में सक्षम नहीं हो सकते। ये भी बात ठीक है, क्योंकि सरकार ने ये भी माना है कि जो स्टूडेंट्स कम फीस के चलते यूक्रेन गए थे तो फिर यहाँ पे उनको फीस भरने में दिक्कत आएगी। इससे पहले नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि NMC ने यूक्रेन से पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को 6 सितंबर को राहत दी थी। आयोग ने एक NOC जारी करके ये कहा था कि ये स्टूडेंट्स अब देश दुनिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। हालांकि NMC ने इन स्टूडेंट्स को स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशन 2002 के दूसरे मापदंड पूरे करने की शर्त भी रख दी है। दरअसल सबसे खतरनाक वार जोन में बनी यूक्रेन की कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ने विदेशी छात्रों को मोबिलिटी या ट्रांसफ़र प्रोग्राम लेने के लिए कहा था। इसके बाद NMC ने विदेश मंत्रालय की सलाह पर यह फैसला लिया और कमीशन ने इसे टेम्परेरी रिलोकेशन कहा है, यानी कि स्टूडेंट्स को डिग्री यूक्रेन की वही यूनिवर्सिटी जारी करेगी जिसके वो स्टूडेंट है। भारत में आज भी MBBS की डिग्री अच्छे रोजगार की गारंटी है, और देश में फिलहाल MBBS की करीब 18,000 सीटें ही हैं, 88,000 सीटें ही हैं। लेकिन 2021 में मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 8 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स बैठे, यानी कि करीब 7 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स का डॉक्टर बनने का सपना हर साल अधूरा रह जाता है। यही वजह है कि डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए हर साल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स, भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन और अन्य देशों की ओर अपना रुख करते हैं। और दो चीज़ें होती हैं, दो प्लस पॉइंट उनको दिखाई देते हैं। एक तो उन्हें कम मार्क्स पे भी वहाँ एडमिशन मिल जाता है, और दूसरा ये है कि वहाँ की फीस भी कम होती है। और यहाँ पर अगर प्राइवेट कॉलेज में वो एडमिशन लेते हैं तो उसका उन्हें कई गुना ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है। तो कल बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली है दोस्तों,
जो यूक्रेन से लौटे हुए मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको कल भर और इंतज़ार करना पड़ेगा। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई होने वाली है। आप एमबी स्पीक्स देखते रहिए, मैं आपको कल का अपडेट फिर से दूंगी। फिलहाल इतना ही दोस्तों, और आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मेरा चैनल देखते रहें।